इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के डॉक्टर अपने कर्तव्यों की लापरवाही के प्रति हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ डॉक्टर तो सिर्फ पैसा लेते हैं, ड्यूटी करने भी नहीं जाते। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो भ्रष्ट हैं, रिश्वत लेते भी पकड़े गए हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते वह BMO बन जाते हैं। सतना जिले के अंदर सर्वाधिक चर्चा में मझगवा के डॉक्टर रहते हैं। यहाँ के डॉक्टर मरीजों का इलाज करने में भी आनाकानी करते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से नौकरी करते हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब मझगवा अस्पताल में मरीज चिल्ला रहे थे और डॉक्टर न सिर्फ शराब पी रहे थे बल्कि नल्ला तोड़ रहे थे। जब मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को आवाज़ लगाई तो डॉक्टर ने अनसुना कर दिया। जब मरीज डॉक्टर के कमरे में घुसा तो वहाँ का नज़ारा देख कर दंग रह गया। वहाँ दो डॉक्टर जान से जान टकराए जा रहे थे। जब इस संबंध में पीड़ित ने डॉक्टर से इलाज करने की बात कही तो मझगवा में पदस्थ डॉक्टर ने मरीज के अटेंडर को न सिर्फ भला बुरा कहा बल्कि गालियां भी बकी। इतना ही नहीं, जब इस संबंध में मझगवा के BMO से बात की गई तो उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ सीना ठोकते हुए यह कहा कि कोई भी डॉक्टर गाली दे सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपकी नजर में नहीं, मेरी बात सुने। क्या है कि इस समय नवीनीकरण हो रहा अस्पताल का, तो ड्यूटी रूम वहाँ का वो नहीं है, इस वजह से वो डॉक्टर को वहाँ शिफ्ट किया गया है। बाकी वो डॉक्टर पोर्टर थी पहले, यहाँ पे डॉक्टर हरदेश पांडे के नाम पे कमरा है डॉक्टर, वो डॉक्टर पोर्टर ही है। तो वीडियो में ना तो डॉक्टर हरदेश पांडे गया है, उसने क्या है कि अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ का ड्यूटी रूम वो निर्माण में है। हालांकि इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, उल्टा डॉक्टर मरीजों को ही भला बुरा कहते सुने गए। बीती देर रात मझगवा अस्पताल के डॉक्टर आवास में शराबखोरी मामले में अब एक नया मोड़ भी आ गया है। पीड़ित बालकृष्ण पांडे मझगवा थाने पहुँच गए, जहाँ पीड़ित ने लिखित तौर पर आवेदन देकर ड्यूटी टाइम में शराब खोरी कर रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह और सहजाद नागौरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मझगवा निवासी बालकृष्ण पांडे ने मझगवा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से गुहार लगाते हुए बताया कि बीती देर रात शाम पारिवारिक बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर मझगवा अस्पताल पहुंचे थे, किंतु पूरे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर कंपाउंडर नहीं मिला, जिसके चलते मैं ड्यूटी डॉक्टर के आवास पहुँचा और काफ़ी देर तक दरवाजे में दस्तक देता रहा, दरवाज़ा खटखटाता रहा, आवाज़ देता रहा, किंतु कोई बाहर नहीं आया। चूंकि दरवाजे अंदर से बंद नहीं थे, केवल अटके हुए थे, जिससे अंदर देखने पर पता चला कि वहां मौजूद डॉक्टर शाहजाद नागौरी और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह बैठकर शराब पी रहे हैं। नाइट ड्यूटी में होते हुए भी शराब पीता देख वे अंदर गए और यह पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने मरीज के अटेंडर से अश्लील बातें की। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विशाल खबर देखने के लिए आप www.visalkhabar.com भी लॉगिन कर सकते हैं।